शादी करना हर लड़के लड़की का सपना होता है और इसके लिए वे कई तरह के सपने संजोते हैं। क्या किसी का सपना किसी ट्रांसजेंडर से शादी का हो सकता है? चौंक गए न आप? जी हाँ, आज हम एक ऐसे लड़के मिलवाने जा रहे हैं जिसने वेलेंटाइन डे के दिन ट्रांसजेंडर ने शादी रचा ली है। इस अनोखे और अजीब जोड़े के प्यार की शुरुआत पाताल ओ पानी में हुई थी और गुरुवार को ढोल धमाके के बीच हिंदू रीति रिवाज शादी के बंधन में बंध गए। इस जोड़े ने मां बिजासन मंदिर परिसर में 7 फेरे लिए। लोगों ने इनका खासा विरोध किया, लेकिन शादी के बाद इस जोड़े ने खुलकर अपने मन की बात की और पहचान जाहिर की। किन्नर दुल्हन का असली नाम जया सिंह परमार है, जबकि दूल्हा जुनैद खान है। दोनों की प्रेम कहानी लगभग 2 सालों से चल रही थी। उनके बीच प्यार की शुरुआत पाताल पानी में हुई थी। किन्नर दुल्हन जया ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ पाताल पानी घूमने गई थी, वहां जुनैद खान भी आया हुआ था। दोनों में मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी बीच वे दोनों घंटों घंटों बात करते रहते थे। फिर एक दिन जुनैद ने मुझसे प्यार का इजहार किया और मैंने भी हक कर दी। इसके बाद शादी को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एनजीओ में काम करने के दौरान जब अन्य कर्मचारियों से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने प्रोत्साहित किया और हमने शादी का निर्णय ले लिया। युवक ने खुलासा किया कि वो राव में रहता है और जया को जीवन साथी के रूप में पाकर बेहद खुश हूँ। जुनैद एक निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है। युवक का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसका परिवार इस शादी के लिए राजी होगा या नहीं। अगर वे हमें स्वीकार नहीं करते तो हम उनसे अलग अपना घर बसाएंगे। जया चाहती है कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगी। वे शादी से पहले भी वे काम करती थी और बाद में भी काम करती रहेगी। दोनों एक बेटी को गोद लेना चाहते हैं। उसे अच्छी शिक्षा देकर अपने और उसके सपनों को खुद का सपना बनाकर पूरा करेंगे।